नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं दो खबरें जिन पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की नजरें कि क्या आज निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है या नहीं, और दूसरा स्वच्छता के मामले में आपके शहर की रेटिंग क्या है। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चारों आरोपियों ने फांसी की सजा को चुनौती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाने वाला है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में निर्भया से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरएसएस आज उत्तराखंड के रुड़की में करेगा मुस्लिम मौलवियों का कार्यक्रम। मौलवियों से कराई जाएगी गाय नाक खाने की अपील। आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है आयोजन। 300 मौलवियों के शामिल होने का अनुमान है अब तक। पाकिस्तान से बदला लेने के सवाल पर बोले सेना प्रमुख बिपिन रावत, कहा सेना बताती नहीं करके दिखाती। जनरल रावत ने कहा आतंकियों से निपटने के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना सक्षम है, घुसपैठ को रोकने के लिए सेना अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में करीब 8 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों के करीब 4000 जवानों ने एक साथ 20 गांव में आतंकियों की तलाशी की। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग इलाके की गई। शोपिया में ही सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर आतंकी हमला हुआ। फायरिंग में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हुए, एक सिविलियन की भी मौत हुई है। कांग्रेस के संगठन में बदलाव का सिलसिला जारी है। सुनील जाखड़ को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह बने। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय पार्टियों को न्यौता भेजा गया। ब्रिटेन में डी कंपनी पर शिकंजा कसेगा। भारत ने ब्रिटेन को सौंपी दाऊद की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी। भारत आज लॉन्च करेगा साउथ एशिया सैटेलाइट। श्री हरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से भेजा जाएगा GSLV F09 रॉकेट। सफाई के मामले में सबसे आगे है इंदौर। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की लिस्ट में भोपाल दूसरे नंबर पर है। नई दिल्ली का NDMC टॉप 10 में शामिल। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 लोगों को गैंगरेप और हत्या का दोषी माना, उनकी सजा बरकरार रखी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य सचिव तरुण सीम के घर पर दफ्तर पर CBI की छापेमारी। भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, घर पर हुए हमले की जानकारी दी। दिल्ली के खान मार्केट में मल्टी लेवल कार पार्किंग का NGT ने विरोध किया है। NDMC और उपराज्यपाल को नोटिस भेजा गया। सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा दोषियों की बेल पर जवाब। पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर ने मांगी है 2 महीने की जमानत। सरेंडर करना चाहते हैं CRPF जवान पंकज मिश्रा। सुकमा हमले के बाद गृहमंत्री पर सवाल उठाए थे, सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया था। GST पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा महाराष्ट्र की नगर पालिकाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित किए बगैर बिल न लागू किया जाए। मुंबई के नायर हॉस्पिटल की मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में आग लगने के बाद हड़कंप मचा। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अयोध्या में रामलीला का मंचन शुरू होने से संत समाज में खुशी है। देश विदेश से आई रामलीला मंडली ने इसका मंचन किया। गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रजापति के परिवार से यूपी के राज्यपाल ने मुलाकात की है। गवर्नर ने अन्याय नहीं होने देने का आश्वासन किया है। परिवार मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। गोवंश हत्या पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का विवादित बयान, कहा गो हत्या पर तो कानून ठीक है लेकिन गोवंश हत्या कानून नहीं होना चाहिए। यूपी के सुल्तानपुर में पेट्रोल पंप पर जिलाधिकारी का छापा। एक पेट्रोल पंप की मशीन को सील किया गया। मेरठ में भी एक पेट्रोल पंप सील हुआ। गाजियाबाद में खसरे की बीमारी से 35 बच्चे बीमार हुए। एक बच्चे की मौत के बावजूद प्रशासन की टीम नहीं पहुंची। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार महिला को मुजफ्फरनगर लेकर गई दिल्ली पुलिस। महिला के घर पर छानबीन हो रही है। यूपी के देवरिया में 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई की गई। टीचर पर पीटने का आरोप लगा है। बच्चे को चलने में काफी दिक्कत हो रही है। मुरादाबाद नगर निगम में सामने आया घोटाला। बिना टेंडर के ही ठेके दिए गए। मेयर ने नगर विकास मंत्री को फाइल भेज दी है। यूपी के कानपुर में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का विरोध। अभिभावकों ने रिक्शा चलाकर स्कूलों की मनमानी का विरोध किया। कश्मीर में शहीद हुए सतनाम सिंह के परिवार से मिले पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल। 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। फिरोजपुर में धरने में शामिल हुए सुखबीर सिंह बादल। अकाली नेता के भाई और पिता के हथियारों को पकड़ने की मांग। बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में घुसाया एक पाकिस्तानी गूंगा बच्चा। जेब से पाकिस्तान के 20 रुपए मिले। पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है।
गुजरात के सूरत में गाय ने बाइक सवार युवक पर हमला किया। 20 मिनट तक युवक को घेरे रही गाय, युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। कन्नौज में बुजुर्ग महिला के शव पर कब्जे को लेकर रिश्तेदारों में मारपीट हुई, संपत्ति हड़पना चाहते हैं रिश्तेदार। यूपी के महोबा में अवैध खनन करने वालों पर पुलिस का छापा, अवैध हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार हुए। मथुरा में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, वारदात के बाद बदमाश फरार हुए। गुजरात के वलसाड में बाघ से आम चुराते लड़के को गोली मार दी गई, गंभीर हालत में लड़का अस्पताल में भर्ती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 4 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए, पुलिस को देखकर तस्करों ने समंदर में सोना फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध हालत में युवती की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। फतेहपुर में बेखौफ मनचले से परेशान होकर एसपी दफ्तर पहुंची स्कूली छात्रा, पिता पर फायरिंग करने का भी आरोप। राजस्थान के बारा में युवती से गैंगरेप करने का मामला सामने आया, युवती को बेचने का भी आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ 1 महीने तक जेल में रहना चाहते हैं गुना के कलेक्टर नियाज अहमद, नोबेल लिखने के लिए साथ रहने की परमिशन मांगी है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ओबामा के हेल्थ केयर बिल को वापस लिया, ट्रंप प्रशासन की बड़ी चुनौती। फ्रांस में चुनाव प्रचार में जुटे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रोन, जनता को कहा आपको देश बचाना है। सीरिया में सेफ जोन बनाने में विद्रोहियों का इनकार, रूस ने दिया था सेफ जोन बनाने का सुझाव। अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका को लेकर काफी उत्साहित है कंगना रनौत, जी मीडिया से खास बातचीत में कहा ये एक असाधारण महिला की कहानी है। मुंबई के एक मॉल में पहुंचे अर्जुन और श्रद्धा कपूर, अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को प्रमोट किया।